नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल वगैरह, तो यहाँ पर आपको जो है नया राशन कार्ड बनवाना है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे राशन कार्ड कैसे बनाया जाता है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के द्वारा राशन कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, कैसे फाइनल लॉक करना है, उसका जो है डुप्लीकेसी कैसे चेक करना है, उसके बाद प्रिंट कैसे निकालना है, कहाँ जमा करना है, कितने दिन में बनेगा, ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना जो है राशन कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे कैसे आपको जो है इस राशन कार्ड को अप्लाई करना है। राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले जो है आवेदक के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो है इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया गया है, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक का खाता होना चाहिए, उसके परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। आवेदक का एक फ़ोटो आपको स्कैन कर लेना है जेपीजी साइज में। इसके बाद हम जो है अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करते हैं, उसके बाद सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्विसेज में आपको फूड एंड सिविल सर्विसेज में आपको क्लिक करना है, फिर एनएफएसए पे क्लिक करेंगे, फिर से एनएफएसए पे, और इसी तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर नई प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ग्रामीण या शहरी क्षेत्र है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ें पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको आवेदक का आय प्रमाण पत्र का डिटेल यहाँ पर देना होगा। आय प्रमाण पत्र का डिटेल डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर देंगे, एप्लीकेशन नंबर के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट संख्या देंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पर जैसे ही सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपके आय प्रमाण पत्र की सारी डिटेल यहाँ पर सामने आ जाती है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्षेत्र विवरण सेलेक्ट करना है। क्षेत्र विवरण में आपको जो है अपना जो है ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है राशन कोटेदार का नाम यहाँ पर अपने आप जो है आ जाता है, इसको आप सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो मुखिया की डिटेल यहाँ पर सबसे पहले नाम आपको हिंदी में देना है, उसका मेल फीमेल ये सब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हिंदी में देने के बाद दूसरा ऑप्शन आता है, इंग्लिश में नाम भरेंगे आवेदक का। उसके बाद उसके पिता का नाम हिंदी में भरना है, पिता का नाम हिंदी में भरेंगे, उसके बाद में जो है पिता का नाम अंग्रेजी में देना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपको नाम भर देना है। उसके बाद ऑप्शन आता है पति का नाम हिंदी में, तो इसके जो है आवेदक का पति का नाम हिंदी में। आवेदक जो है हमेशा जो है आपको फीमेल को बनाना है, जो भी वरिष्ठ एज की महिला होती है उसको यहाँ पर आवेदक बनाना है उस फैमिली में। तो इस तरह से आप जो है, और रही बात आय प्रमाण पत्र की, तो आय प्रमाण पत्र उस पति पत्नी दोनों में से किसी का एक का भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने उसकी माता का नाम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में भर दिया। आप वर्ग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो है किस कैटेगरी में वो पर्सन आती है तो वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद आधार संख्या यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर एक कंसेंट देना रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सार्वजनिक विवरण प्रणाली है, तो यहाँ पर उसका आधार का यूज किया जाना है, तो इस पर आप टिक रखेंगे हमेशा। उसके बाद यहाँ पर गैस कनेक्शन और ये विद्युत कनेक्शन की स्थिति में आप चाहे तो नहीं कर सकते हैं, या आप सेलेक्ट कर ले कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों में नहीं कर दिया है। उसके बाद आप इस डिटेल को सेव करेंगे तो ये सुरक्षित हो जाती है डिटेल, मतलब सेव हो जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एड्रेस का, तो एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना गाँव का, उस मुखिया के जो है आवेदक के गाँव का सेलेक्ट कर लेना है। उसके गाँव को सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर जो है आपको पिन कोड देना है, पिन कोड देने के बाद यहाँ पर ग्रामीण शहरी क्षेत्र वगैरह ये सब भरने के बाद यहाँ पर स्थायी पते के रूप में अगर सेम पता है तो उसको नीचे जो है टिक करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो है आपका फिल हो गया। आप देखिए एक परिवार का सदस्य यहाँ पर एड हो चुका है। अब नया परिवार का सदस्य जोड़ने के लिए राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको नया परिवार का सदस्य जोड़ने पर क्लिक करना होगा। यहाँ नए परिवार के सदस्य का जो है आपको डिटेल देना है। तो ये सारी डिटेल आपको आधार में देखकर जितने भी परिवार के सदस्य हैं एक एक करके उनका सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है। तो पहले सदस्य को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर आवेदक के पति को यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जो है हिंदी में नाम दिया, इंग्लिश में नाम दिया, उसका डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसका जेंडर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर उसकी इनकम को हम यहाँ पर शून्य रखेंगे, इनकम को शून्य कर दिया। उसके बाद में पिता का नाम, पिता पति का नाम यहाँ पर हमने जो है इंग्लिश में भरना है। इंग्लिश में भरने के बाद मुखिया से संबंध क्या है, इसको आपको भरते समय बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो संबंध में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे इंग्लिश में नाम फिल कर दिया, उसके बाद संबंध यहाँ भरेंगे। संबंध में यहाँ पर पति सेलेक्ट कर लेते हैं, शौहर या पति। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है सार्वजनिक वितरण है, तो आधार को जो है सार्वजनिक किया जाना, इस पर जो है आपको टिक कर देना है यूज के लिए। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर दे देंगे, आधार नंबर देने के बाद आपको नीचे जो है
सदस्य जोड़ने पर क्लिक करना होगा। तो सदस्य जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपका जो है सदस्य ऐड हो जाता है। उसके बाद अगले सदस्य को यहाँ पर ऐड करना है, जो भी और परिवार के सदस्य हैं। इसी तरह से एक एक करके सारे सदस्यों को आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ सेम उसी तरह से आपको नाम डालना है। नाम के बाद यहाँ पर नाम हिंदी में, इंग्लिश में, उसके बाद जन्म तिथि, जेंडर उसका, उसके बाद इनकम को सबको, मुखिया की इनकम को आपको जो है इनकम आय प्रमाण पत्र के हिसाब से डाल देंगे, बाकी की इनकम सबको आपको जीरो कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो है उसके संबंध, संबंध के बाद आधार, आधार के बाद सदस्य जोड़ने पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक एक करके सारे आपके जो है यूनिट यहाँ पर ऐड होते जाते हैं, यूनिट या सदस्य इसी तरह से आपके ऐड हो जाएंगे। तो अगला सदस्य भी इसी तरह से ऐड कर लेंगे। सदस्य ऐड करने के बाद आपको एक एक करके इस तरह से दोस्तों सारे सदस्यों को आपको ऐड कर लेना है। ये आधार कार्ड आपको इसी तरह से अप्लाई करना है। सदस्य जोड़ते समय आपको संबंध का विशेष ध्यान रखना है। सारे इसी तरह से आपको एक एक करके जो है यूनिट को यहाँ पर ऐड करते जाना है। साथियों, ये आधार कार्ड आपको जो है बहुत ध्यान से भरना है। अगर आधार में डिटेल जरा से भी इधर उधर होगी, आपका स्पेस नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ, क्या नाम, जेंडर वगैरह कुछ भी मिसमैच जरा सा होगा, स्पेस तक अगर आपने नहीं दिया है तो यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा, डुप्लीकेट आधार बताएगा। तो इस तरह से सारे सदस्यों को आपको ऐड कर लेना। उसके बाद सुरक्षित डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फैमिली डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड, ये हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर उसके बाद में मुखिया का जो है बैंक का विवरण, बैंक के खाते में आपका मुखिया का खाता लगा सकते हैं या उसके पति का या माता का, यहाँ पर दो चार लोग दिए हैं उनके हिसाब से किसी का भी आपको दे देना है। लेकिन आपको जो है सजेस्ट यही करूँगा कि आप मुखिया का ही खाता लगाएं। तो यहाँ पर मुखिया का नाम आ जाएगा, उसके बाद बैंक खाता, किस खाते बैंक में है, तो यहाँ पर जो है बैंक का नाम, उसके बाद बैंक शाखा, आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको खाता संख्या भर देनी है। खाता संख्या भरने के बाद आगे बढ़ेंगे, सबमिट करेंगे, सेव करने के बाद सेव हो जाएगा ये डिटेल। अब आपको मुखिया की फ़ोटो, ऊपर जो इंस्ट्रक्शन इसके दिए रहे हैं, 300 से 600 डीपीआई में आपको स्कैन करना है फ़ोटो। उसके बाद आपको जो है फोटोशॉप में जाके इसको जो है 132px × 170px के रेशियो में आपको जो है कट कर लेना है। उसके बाद में साइज इसका जो है 100KB से नीचे का रखना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड 100KB से नीचे JPG फॉर्मेट में और बैंक पासबुक 100KB से नीचे जो है JPG फॉर्मेट में स्कैन कर लेने हैं। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेने हैं, फ़ोटो भी आपको जो है कट कर लेनी है आपने, जैसे मैंने बताया। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है बताइए, मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो दे दूंगा। तो आप जो है फ़ोटो को कैसे क्रॉप किया जाता है पिक्सल्स में, वो आपको पूरा सीखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे ही सेव करते हैं तो ये हमारे डॉक्यूमेंट भी अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अटैच्ड आर सक्सेसफुली सेव्ड, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ निर्धारित मानक दिए गए हैं, कार्ड निर्धारित मानक, इनमें आपको सबको नहीं पर सेलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिलेगा गरीबी रेखा से नीचे यापन वाला, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। सिर्फ यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट रखना है, बाकी सबको नहीं कर देना है। तो ये नहीं करने के बाद आपको जो है उद्घोषणा पर आपको क्लिक करना है। सुरक्षित करेंगे तो आपके सामने राशन कार्ड संख्या जनरेट होके आ जाती है। अब दोस्तों ये राशन कार्ड संख्या बहुत ध्यान रखने की बात है, अगर यहाँ से आप नोट नहीं करेंगे या कॉपी नहीं करेंगे तो ये गायब हो गई, तो समझो भरी भराई आपकी पूरी फॉर्म जो है बेकार हो गई। आप इसको ढूंढ भी नहीं सकते हैं कि आपने जो फॉर्म भरा था उसका हिस्ट्री वगैरह कहाँ है क्या है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको नोट कर लेना। नोट करने के बाद इसको जो है सुरक्षित करने पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सबमिट हो जाता है, सेव हो जाता है। इसके बाद लॉग आउट हो जाते हैं आप, फिर से आपको जो है इसको क्रॉप कर देना है, हटा देना है जो है टैब को। उसके बाद आपको जाना है फिर से आपको जो अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज में, यहाँ पर फूड एंड सिविल सप्लाईज पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको यहाँ से लॉगिन होना, ओके आना है, सबमिट, फिर उसको NFSA पे सेम उसी तरह से अब आपको इसका रिसीविंग प्रिंट यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ नई प्रिंट चेक फार्म प्रिंट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंट कर लेंगे। चेक फार्म प्रिंट निकालने के बाद में आपको क्या करना है, इसको जो है पूरा चेक कराना है, आवेदक को दिखा देना है कि यहाँ इस तरह से आप जो है पावती इसकी मिल जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको डुप्लीकेसी वाले ऑप्शन में यहाँ पर जाने के आवेदक को आवेदक आधार डुप्लीकेसी फॉरवर्ड, यहाँ पर आवेदन संख्या डाल के उसको डुप्लीकेसी के लिए फॉरवर्ड करते थे। ये 24 घंटे के बाद आपका प्रिंट जो है फाइनल लॉक के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरे दिन जब आप लॉगिन करते हैं 24 घंटे के बाद में, तो यहाँ पर आपके सामने अभी फ़िलहाल जो है इसको जो है आपने क्या किया, इसको फाइनल लॉक के लिए भेज दिया, डुप्लीकेसी चेक है तो भेज दिया है। डुप्लीकेसी इसकी 24 घंटे में चेक हो जाती है। आपने मान लो दिन के 10 बजे आपने जो है इसको आवेदन किया, डुप्लीकेसी के लिए फॉरवर्ड कर दिया, उसके अगले दिन 10 बजे के बाद इसका प्रिंट आप फाइनल लॉक करके निकाल सकते हैं। तो इसके बाद अगले दिन मैंने यहाँ पर देखिए रजिस्ट्री यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। उसके बाद यहाँ पर विभागीय सेवाओं में जाएंगे,
इसमें आप जो है राशन कार्ड वाले पोर्टल पर फिर से लॉगिन होते हैं, NFSA पे जाएंगे, फिर उसके बाद में आपने जो है डुप्लीकेसी चेक करने के लिए भेजा था, उसके बाद में उसकी प्रिंट निकाली थी, आपने चेक फार्म प्रिंट किया था। अब यहाँ पर आपको जो है आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फाइनल लॉग किसी को बोला जाता है, जब तक आप ये फाइनल लॉग नहीं करेंगे तब तक आवेदन आपका आगे अप्रूवल अथॉरिटी को फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने जो है अपना जिला सेलेक्ट करना है, राशन कार्ड संख्या जो आपने दूसरे कल नोट की थी वो यहाँ पर भर देंगे, इसके बाद आपको सर्च करना है, आपके सामने पूरा राशन कार्ड यहाँ पर फाइनल लॉग के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको जो है नीचे फाइनल लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो पूरा डिटेल यहाँ पर प्रीव्यू देख लेंगे, अगर कोई डाउट है किसी भी तरह का मिस्टेक है तो उसको सुधारेंगे, नहीं तो फाइनल लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है, कृपया ध्यान दें फाइनल प्रिंट लेने के बाद ये जो है इसमें कोई किसी भी तरह का सुधार नहीं हो पाएगा, ये संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, कुछ समय वेट करेंगे, 1 से 2 मतलब 10-20 सेकेंड का, उसके बाद ये फाइनल लॉक हो जाता है। संबंधित अधिकारी को अग्रेषण होने के बाद ऑटोमेटिक आप लॉग आउट हो जाते हैं। फिर से आप जो है यहाँ पर विभागीय सेवाओं में जाएंगे, फिर से आप राशन कार्ड वाले पोर्टल पर लॉगिन हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कोटा बैलेंस अभी तक 6 था, यहाँ पर 1 जो है डिडक्ट हो गया, मतलब आपका पेमेंट सक्सेसफुल कट गया है। अब यहाँ पर जो है आपको फिर से लॉगिन हो जाना है, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर फिर से वहीं जाएंगे, आप यहाँ पर फाइनल जो रसीद होती है वो यहाँ पर प्रिंट कर लेनी है, राशन कार्ड रसीद। इस राशन कार्ड रसीद को यहाँ से प्रिंट करके आपको जो है आवेदक को दे देना, सारे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी और उसके बाद आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, ये सारे संलग्नक आपको इस रसीद के साथ अटैच करके जो है नज़दीकी खाद्य विभाग के कार्यालय में आपको सबमिट करा देना है। तो ये जैसे ही आपका जो खाद्य विभाग का कार्यालय आपके नज़दीकी तहसील कार्यालय में होता है वहाँ पे जाएंगे, जमा करेंगे, उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर आपका 10 से 5 दिन में, आपका 5 से 10 दिन में लगभग उसका जो है अप्रूवल कर देते हैं, तो आपका राशन कार्ड जारी होके आ जाता है। राशन कार्ड बनने के बाद 1 महीने के बाद आपको राशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया थी, आपको अगर इस जल्द से जल्द इसको जो है अप्रूवल कराना है तो यहाँ से रसीद लेकर आपको जो है जमा करना है, उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट फूड इंस्पेक्टर से बात कर लेनी है, तो आपको जो है 1 से 2 दिन 2-3 दिन के अंदर वो आपका जारी करके दे देते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।